हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि तुम सब ठीक ही होगे। तो आज है होली, हैप्पी होली मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार वालों को। तो आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्ट होने वाला है, बने रहिए ब्लॉग में। तो सबसे पहले चलते हैं खेत में थोड़ा घास काटने के लिए, और फिर थोड़ी देर में आने वाले हैं रिशु, विशु और सारे, तब मनाएंगे होली। हैप्पी होली गौरी। ये हमारी गौरी है एक, जिसे मैंने अभी घास काट के दिया। और यहाँ अनंत सो रहा है। हैप्पी होली अनंत, हैप्पी होली। तो गाइज आप देख सकते हैं ये कैसे सो रखी है, मैं तो डर गया इसको देख के यार। देख रहे हो आप ये कैट को देख रहे हो आप? ओह जिंदा है, मुझे लगा मर गई थी। चिकू उठ चुका है अब सो के। हाय बोल दे चिकू, हाय हाय बोलो। इसको तो प्राची ने रख दिया, तेंगे तेंगे हो गया, तेंगे तेंगे। तो मैं घर पे तो आ गया हूँ सही सलामत। ये तो वही है तिलक वगैरह जो लगाया था, पर जो मेरे साथ भाई था उसको पकड़ लिया था वहाँ पर, उसका तो काम हो गया। मैं रहा हूँ घर पे, आ गया, पर तुम्हें भीड़ दिखाऊंगा अभी कितनी आई घर के बाहर, उन्होंने मुझे आते हुए देख लिया था। फिर अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, और मेरी कैब भी वो लेके चले गए, तो मैं तुम्हें भीड़ दिखाता हूँ। पॉसिबिलिटी रखी थी कि ना हो ये सारे कपड़े चेंज कर लूँ मैं, पहले आ रहा मैं। अच्छा तो मैं अभी जाता हूँ उनके पास कपड़े चेंज करके। तो अब मैं जा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं होगा ना ये कर पा रहे हैं, इसलिए मैं रेडी होकर आगे चेंज मैंने कर लिया है। बाकी तैयार है वहाँ रंग के लिए, बाहर ला उसको भी, मैं डिलीवर उतार देता हूँ। लो भाई जी ये पकड़ो मेरी। ओए पूरे बहुत जल्दी। चप्पल पहन लेता, जूते क्यों पहन रहा? चले इधर चले बाहर आ जल्दी। क्या बोल रहे? कुछ भी अरे कुछ भाई साहब डरा दिए मेरे को। अब तो किसके लगाया? सारे मड़ो उसको, सारे के सारे। ये भी देख रहा है क्या हो रहा है भाई को। आ जाओ गुफ जी, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग नहीं इनके साथ यार, चप्पल पहन जाओ। मैं स्टार्ट नीचे आना पड़ेगा साथ साथ, कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। जाओ आप, मैं ना बना ठीक है। फिर अगर किसी ने गिल्ला किया ना, लंग लगा दे जेब में, बहुत सारा सामान है।
गिल्ला मत करियो ठीक है। हैप्पी होली भाई जी। कुछ नहीं कुछ नहीं जाने कुछ नहीं रे हो। हैप्पी होली गुब्बारा ढंग से तो फुला लो चट करके बज रहे सब कुछ सरप्राइज तो काम हो गया चट चट बज ये हमारी पहली ला लो साफ करो इसको अच्छा कच्चा लेगा अच्छा लेगा किसका ना ना ये किसका ये ले ले तो से ला ये ले ले हाथ पे वीडियो कर दे ले तो काम हो गया है सॉरी फॉर एवरीथिंग कोमल सॉरी इशू नहीं बचा पाया मैं खुद को और कुछ यहाँ के दोस्त भी फिर कह रहे थे कि बहुत टाइम बाद आया तो थोड़ा सा कर ले कह रहे वहाँ जाके लगवा लेना उससे सॉरी ठीक है उसके लिए पर मैं आऊँगा तुम्हारे पास भी अगर तुम परमिशन दो तो ठीक है पर तब तक के लिए मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ यहाँ और तुम भी इंजॉय करो वेट मत करना यार ठीक है बाय। तो ये गैंग चल रही है अपनी ये गैंग अपनी चल रही है और इनके पास शिकारी नहीं है जो इतनी तरह मैं ही मैं आया था बस एक जैसे मेरा ही वेट कर रहे थे बाकी देखते अभी लोग आ तो रहे हैं देयर सम पीपल्स वो लो 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 आ रहे हैं और वो कह रहा है लो 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 दो 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 सॉरी बुबू दो 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 हम ही मिल रहे थे दो 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 लो 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 दो 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 गाइए और एक गैंग वो देखो नीचे से भी आ रही है और तुम्हें दिख रही होगी वो वहां से नीचे से एक गैंग वो आ रही है और बाकी अपने छोटे छोटे बच्चे है ही है और एक बच्चा यहाँ पीछे से आ रहा है और बार बार वो गुब्बारे पानी के भरे हुए वो फेंक के मारा है ये दुखा निशान ये उसी ने फेंके अरे चल रही है अपनी होली 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 साड़ी चल रही है होली 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 असी चलने लगे हाँ उत्थे उपर आज उपर चलते हैं एल पी घर फिर अब एल पी घर जा रहे हैं ले आओ कहाँ से मिलेंगे अभी इनका प्लान है कि पहले गुब्बारे लेकर आते हैं देन वी आर गो ए तो फिर अब हम चल रहे हैं सारे हैं अभी इस भाई साहब के घर जा रहे हैं हम इसके गुब्बारे भरने अभी हाँ थोड़ा ठंडा सा हो गया है तो मैं तुम्हें हो चुका है थोड़ा टाइम लगेगा भरने में तब तक के लिए बाय और फेस रिबिल हो गया है अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये लास्ट का व्लॉग है इससे पहले के लिए तब तक के लिए बाय और यस गुब्बारे आ चुके हैं इनके पास गुब्बारे हैं दोनों के पास हाथ भर चुके हैं तो अब चलते हैं एल पी के घर अगर कोई जानता है एल पी को तो कमेंट करना ठीक है एल पी कौन है ओके बाय कलर दिया बाकी देख सकते हैं यहाँ पर चलो चलो उनको बुलाओ यार यश भाई तो रह रहे यश भाई को बुला लो बाहर यार कहाँ यश भाई को बुलाना बुला लो बुला लो बाकी फाइनली सब हो चुका है बाकी हमारा एक शिकार रह चुका है बाकी तो फाइनली हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर इनको तो पानी पानी ये देख सकते हैं उनको बुलाते हैं यार गुब्बारों के लिए लार के स्पेशल है बुलाओ यार यश भाई को यश भाई को बुलाओ जी जरी एक तरह से किटू बुलाओ ने यार
आपको क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों होली के दिन? मूड ऑफ है क्या? बंदी ने धोखा दे दिया क्या? आगे 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 यही लग जाएगा सारा सामान। चलो चलो लो लो लो, यहाँ पर फर्स्ट का बाकी देख सकते हैं। है नहीं रे, खत्म गुब्बारा दे दो यार, गुब्बारा दे दो, ये क्या है बाबा? दे सकते पूरा यहाँ पर, बाकी देख सकते हैं इनका भीड़ बन चुका है, सबका बन चुका है, कोई नहीं बचा है फिलहाल तो। बस हमारा एक शिकार आ चुका है, बाकी ये देख सकते हैं चलेंगे, रुक जा। यश भाई को बुला जाइए, सुन के चलते हैं। बाकी यहाँ पर है फोन के लिए, फोन की तो लेनी देनी चल चुकी है, बाकी कवर लेते तो शायद अच्छा होता। स्प्रिंग आविश भाई हाथ में दूसरा लेने सारा सभी ड्रॉ चुके यहाँ पर, कोई नहीं बचाया फिलहाल तो। आगे आगे रंग दे रंग दे रंग दे गुब्बारा 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 अकेले यहाँ पर हमारा शिकार आ चुका है। चलते तो नेक्स्ट, इधर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बाकी फिलहाल तो यहाँ पर टोटल एरिया कवर कर लिया था हमने। कलर है, कलर दो क्या रहा तेरे को? अच्छा देखिए भाई, मैं थोड़ा इसको साफ वगैरह कर लेता हूँ। हेलो गाइस, आज इतना खतरनाक रंग लगाया ऐसा कभी मेरे लाइफ में किसी ने नहीं लगाया। ग्रीस लगाया इन्होंने, ग्रीस गाड़ी ग्रीस, आप समझते हो, ये तो उतर भी रहा नहीं फेस से काफ़ी। चलो दिन को गिरी में जाएगी, उधर तो उतर ही जाएगा पानी से। मैं सारा वो दिखाएंगे नदी का जहाँ हम नहाएंगे, जो भी करेंगे आज तुम्हें सब दिखाएंगे। बट ऐसी होली मैंने जहाँ पर पानी होगा वहाँ से हम थोड़ा दूर रहेंगे, क्लोज करना पड़ेगा जहाँ पर पानी वाली होली होगी तो, उसके लिए सॉरी क्योंकि हमारे पास वाटर प्रूफ कुछ कैमरा वगैरह नहीं है। अगर तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो अगली होली पे तुम्हें सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है? ये हो रही है डेंटिंग पेंटिंग। अच्छा क्या हो गया है? हैप्पी होली भाई। इसकी फिर
स्प्रे किसका था इसके इनके पास? इसने वैसी रख रही थी यहाँ पे। गाइस ऐसी होली मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं देखी थी, कभी नहीं, जैसी होली ये रही इस बार की। बहुत बहुत कुत्ता बनाया। अब इस पे अटैक करना है तुमने, जाओ जल्दी पत्थर ले, इसी से रंग ले लो। भाभी बोल रही देवर होगी, मैं लगाऊं है। मैं तो लगाया नहीं, तेरी कमी थी। अब हाँ इधर इधर ला जाइए, तेरे तो मैंने लगाया नहीं दिया। खिचड़ी देख ले वहाँ जाके, भूख लग रही। कौन से लगाने? नाच दे रहे अच्छा, घर में तो नाचता है इस पे। ओ पकड़ी पकड़ी पकड़ इसको, अरे बोल मेरे से मांगता भाई, बोल आराम से आओ नीचे जा खेलो। पकड़ी 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 इस पे नहीं आ यार, डंडा तोड़ेगा ये। और नहीं है ऊपर, बाहर जा वहां खेल, जा खेलो। Yeah.
तो यहाँ से अब नाच वगैरह करके हम सारा मंदिर के पास से चल रहे हैं घर की तरफ, और उसके बाद हम जाएंगे शायद से नदी में नहाने। थोड़ा नाश्ता पानी करने के बाद हम नदी में नहाने जाएंगे। टाइम मुझे पता नहीं क्या हो रखा है, बट मैं बहुत जल्दी घर भी जाऊंगा अभी, ठीक है, बट नहाने के बाद। तब तक बने रहो। ये जो पूरी टीम है पीछे, ये सारे के सारे नहाने जाएंगे। मेरे ख्याल से लगभग मतलब 10 या 11 बंदे तो होंगे, और नहीं होंगे तो हम तो जा ही रहे हैं बाकी, ठीक है। और जहाँ हम नाच रहे थे अभी वो मंदिर था, और शायद बाज़ार में भी स्पीकर्स लगे हैं कहीं, वहाँ पर भी लोग नाच रहे हैं। पर जो अपने यहाँ की होली है वो थोड़ी ऐसी है अपने एरिया की, वहाँ कोई स्पीकर नहीं लगाए। इस बंदे का एक स्पीकर था, ये निखिल भाई साहब का, वो बहुत तेज़ बजता था, इसलिए हमने उसे ऑफ कर दिया, क्योंकि उससे बहुत बहुत नॉइस पॉल्यूशन फैल रहा था। इसलिए अब चल रहे घर की तरफ, खाएंगे पियेंगे दर नदी फिर घर, ठीक है। हेलो गाइस, तो हम चलते हैं गिरी की ओर। काफ़ी अब होली खेल रही है, खेल ली हमने, अब चले गिरी में। तो अभी हम स्टोनकी मेन मार्केट में हैं, जो बस स्टैंड वाला रूट है। होली वगैरह पूरी खेल के अब हम जा रहे हैं नदी की ओर नहाने के लिए। अभी कुछ तो हम लोग हैं और कुछ अभी बाद में आएंगे, या और कुछ पहले वहीं हैं। तो मेरे साथ भाई, ये छोटा भाई है, ये बड़े भैया हैं, बाकी हम मेन मार्केट में हैं, चल ही रहे हैं, और थोड़ा खाने पीने का देखते भी लेकर जाएंगे। वैसे बाकी तुम्हें हम दिखाएंगे रास्ते में भी व्यूज थोड़े, और बाकी का तुम्हें हम नदी का ही दिखाएंगे। बट अभी हम शॉप के लिए, अभी हम शॉप की तरफ जा रहे हैं, सामान लेंगे, फिर वहाँ से हम नदी की ओर जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। तो दुकान में थोड़ा सामान पूछता करके मिलता है, ठीक है। फोन साथ है ना, गूगल पे वगैरह होने का नहीं, होने का नहीं, हो जाएगा खाने पीने के लिए, हो चुके हो जाएगा। फ्रूट बियर है अंकल, फ्रूट बियर है। यहाँ तो मिला नहीं जो हमें चाहिए था, अब आगे जाके देखना पड़ेगा। ये पूरी मार्केट ना बस ये ऐसे चलते हैं यहाँ पे। और कलर भाई साहब, होली बड़ी बेकार वाली थी इस बार, वैसे सारी सही थी, बट जो इन्होंने उसमें किया ना ग्रेस वाली होली, वो बहुत बेकार थी। मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे, बाकी चेक कर नॉन अल्कोहल, उसको पी के ना कुछ नहीं होता, बच्चा भी उठती है उससे। स्पेशल उनके लिए जो नशा वगैरह नहीं करते ना, उनके लिए बियर बनी हुई है। और हमने नदी में जाके यही करना था। देखो अंकल, फ्रूट बियर है, लेकिन फ्रूट बियर नहीं कुछ क्या लेना, देख लो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते कुछ अच्छी, क्योंकि प्यास तो देखो वहाँ लगेगी, और नहीं कुछ कोल्ड ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी, एक कहीं भी चेक करनी पड़ेगी। होटल वगैरह में होती है, अरे यहाँ बहुत कम मिलती है, वहाँ तो दुकानों में से मिलती है ना, इधर नहीं, एक सीन बेकार है ना फिर। नए नए बंदों के नए नए, हाँ दोस्त ऐसे भी। ये देखो ये बंदे जो सुबह घूमे हुए ना, जिन्होंने ग्रीस वगैरह लाया, तो बंदे यहीं अगर आएगा तो भी खाऊंगा मैं, ठीक है, वैसे मुश्किल ही अगर वो आएंगे। पता नहीं। हाँ, और बसेज आज नहीं चल रही है,
जिस वजह से मैं भी लेट हो गया, वरना मैं भी घर होता। बसें सिर्फ वो चल रही है, सरकारी बसें चल रही है बस, और फिर अब देखते लास्ट में, अगर शाम को मैं बाइक वगैरह पे जाऊँगा उसी में जाना पड़ेगा लास्ट में। कोई नहीं, बाकी अब बोल तो रहे हैं कि यहाँ पर मिलेगा। एक भाई और है जिसको हम लेके जाएंगे साथ में, ठीक है, तब तक के लिए। और मैं कैमरा फ्लिप कर लूँगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा व्यूज़ वगैरह चेक कर लेना दूँ। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नहाने के लिए तो मेरे को लगता है इतना है नहीं कुछ खास, बट हाँ थोड़ा प्राइवेसी रहेगी वहाँ पे क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। बाकी सब जगह बहुत सारे लोग हैं, जो नहाने की बढ़िया वाली जगह है ना वहाँ पर बहुत सारे घुसे हुए हैं, बट फिर भी जहाँ हम जा रहे हैं वो भी अच्छी जगह है, तो नहाने के लिए ठीक होगा वहाँ पर। बाकी देख लेंगे अभी जाके, क्योंकि नदी में ना डैम्स वगैरह बदलते रहते हैं, कभी किसी में मिट्टी वगैरह भर जाती है, कभी कोई सा ज़्यादा गहरा हो जाता है, इसलिए देखेंगे अभी जाके। अगर तो ज़्यादा ही गहरा हुआ फिर तो मुश्किल है वहाँ पर नहाना, और दूसरा कम गहरा हुआ फिर तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमें उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा जहाँ पर बाकी सारे नहा रहे हैं। बट मेन कोशिश यही रहेगी कि हम प्राइवेसी वाले एरिया में जा सकें और अपनी वीडियो वगैरह शूट कर सकें अच्छे से बस। और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर, तुम्हें दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। बस अब हमने रूट चेंज कर लिया है, पहले हम सोच रहे थे कि इस वाले रूट से जाएंगे, ये पहाड़ी सी दिख रही होगी आपको, वहाँ से पहाड़ी के आगे आगे से पूरा नीचे करके रास्ता है और फिर नदी में, ठीक है। बट अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह से क्योंकि हम सोच रहे हैं जहाँ पे वो सारे नहा रहे थे ना वहीं जाकर नहाए, क्योंकि वो वाला पानी थोड़ा ऐसे ही है जहाँ ट्रक दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक ट्रक है अगर तुम्हें दिखेगा शायद से, तुम्हें नहीं दिखेगा यार, हवा बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ शायद से आएगी ही नहीं पता नहीं, पर नहाने के लिए हम भी जा रहे हैं। बाकी मैं तुम्हें अब नीचे जाते हुए दिखाऊंगा, पुल का तुमने देख लिया है पिछले ब्लॉग में देखा हुआ, अब तुम्हें नदी में जाते हुए दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे की ओर, ये सारा पुल है यहाँ से, और एक ये यहाँ पहुँच गए, यहीं से बनाओ, बचाओ बचाओ, कोई है कोई हमें सुन सकता है, बचाओ बचाओ। ये है वो पुल का एरिया सारा का सारा, यहाँ पर भी प्लेस है, अगर किसी ने कुछ करना हो तो कर सकता है, जैसे पार्टी वगैरह, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं अभी, और यहाँ आवाज़ बहुत आती है यार। बाकी ये जगह है थोड़ी यहाँ पर पुल के नीचे, ये शायद से पुराने वाला पुल होगा, ये है यहाँ पर सारी चट्टान, रास्ता, पानी और पानी और पानी। अभी हम वहाँ जाके सोच रहे हैं उस जगह पे, जो जगह दिख रही है वहाँ जाके नहाएंगे, बाकी देखते हैं अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो तो ही नहाएंगे, ठीक है फिर चलते हैं, आ जा चलो इस नीचे। चल चल, तो जान ले फिर, ये है सारा रास्ता। मेरे यार शूज़ जो ये है ना ये सिर्फ लुक्स के लिए है, बाकी ग्रिप्स वगैरह और ऐसे हिल क्लाइंबिंग के लिए इट्स नॉट अ परफेक्ट शूज़, वो मेरे दूसरे, बट मैं वो लेके नहीं आया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इतने दिन यहाँ रुकूंगा। मेरा प्लान था या जब भी ट्रक आता है ना फिर आवाज़ आती है पुल के नीचे तो आवाज़ नहीं, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। मैं कह रहा था जब भी अगर मैं यहाँ ऐसे मुझे पता होता दो तीन दिन के लिए तो मैं पूरी पैकिंग के साथ आता, व्लॉग्स वगैरह के इंस्ट्रूमेंट लेके। बाकी हाँ जैसे हम गिरेंगे पुल से गिरे फिर आदि तो मैं बोल दे ये
ये सूख जाएगी तब तक अगर मैं इसी में ना हूँ। और आगे जा चल के आगे जा जा तुम्हें स्लांग मारनी चले पत्थर में से मारिए ठीक है पत्थर में से मार आगे तो जा थोड़ा सा पैर पर आगे ऐसे जा ऊपर को जा ऊपर को नहीं कह रहा शोर नहीं है नी है कौन है नहीं शोर ये वो है जब हम आए थे दूसरे थे नहीं वो बाड़ी बंदे जिन्होंने संतरे संतरे ला रखे थे और बोले इतने ऐ नहीं दादी तो ऐसी लग रही है तेरे को पीछा कि वो है चल रहे जा पार बच्चा तू है कि मैं हूँ जा यार ईशु चल ऐसे ही करूँगा डूबते हुए मैं ऐसे आऊँगा तेरे को बचाने यहाँ से जाते आराम आराम से विशु बनाएगा वीडियो विशु बोलेगा कि विशु बोलना भाई मैं जा रहा हूँ नहाने फिर मैं तेरे को वहाँ से लाऊंगा बीच वहाँ से देख यहाँ से जा रहे वहाँ से ऊपर से आ ही रहे नहाने के लिए आधे बंदे जाते और आधे बंदे आते हैं नहाने के लिए ये तो पुल लग रहा था सब बनी आने वाला ऊपर कौन है हैं लग भी रहा था ऊपर से यार बीच के आगे आए हुए हम क्यों बीच में आए बीच में लेट जा जल्दी जा यार फिर आप जाइए इधर कैसा लग गया अभी जा अंदर अभी देखा फनी फनी बनानी है सिमरनी फनी बनानी है कवर कर मेरे को पहले दम दी जाऊं यहां से मार दो जा तू नहीं एक्टिंग आप पहले इसको दियो फिर मेरे तब फिर मैं एवेंजर आई डालो पापा 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 पापा
लगा इसके हल्दी लगा दे आज सगना दा चढ़िया अज वेला वे सारे आदे रचड़ा सारे आदे दौड़ावे सारे गिल्ली मिट्टी तो लाओ ना ना कि हाँ गिल्ली है गिल्ली मिट्टी लाओ से तो मैंने गिल्ली कर लाया तो मैं गिल्ली ज़्यादा ज़्यादा सी इधर लाओ इधर भी पहले शगना दा चढ़िया अज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गोना वे यार भाई जी ये डाल दूंगा मैं देख लिए दो दो एक ला तो थोड़ी सी अरे वाली मत दे क्यों हंस रहा कैमरामैन जल्दी फोकस करो जा बलबीर मैं आ गया बलबीर जब तूने कहा था मेरी गर्लफ्रेंड से मेरे से हो नहीं रहा है बलबीर तोड़ो कौन गई ना नहीं सीपीआर तो सीपीआर जल्दी
मार देखो तो जल्दी धक्का देना पड़ेगा मुंह रख ली वाले साइड भाई यार कांटे का दाम जाऊंगा खुद ही जाऊंगा मैं ओए तो जा यार एक ओए ओए कैच के ले रहा इसे साले तेरे इसमें रह रहा और सुखा लेता इसको बाकी रह रहा मेरे कहीं दे इसको धक्का हेलो गाइस स्नान तो हमारा हो चुका है अब चलते हैं घर की ओर काफ़ी भूख भी लग रही है तो हम भाई लोग चलते हैं घर वो कहाँ रह गया दूसरा नहा तो हम गए अभी ठीक है मतलब पूरी हो गई है कपड़े वगैरह अभी सूखने के लिए है हमने अपने एक वेटर को दिया है ठीक है तब पिलाऊंगा कपड़े पड़े यार अगर तक बढ़िया वाली चलो ठीक है मान गया ये और बाकी अभी हम चल रहे हैं ऊपर घर की तरफ अभी तो वैसे हम नदी से बाहर ही आए हैं कपड़े वगैरह हमने सुखाया है थोड़ी वीडियोस बनाई हैं ओह भगवान की फोटो किसने यहाँ रख दी बाकी अब हम जा ही रहे हैं घर की तरफ अब पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे फिर से और मैं सेंडो में हूँ अभी सेंडो के अलावा अपने पास अभी कुछ है नहीं जो था वो गीला है क्योंकि हम जिन कपड़ों में हमने होली खेली थी उन्हीं में हम नहा गए थे तो अब जाना पड़ेगा यहाँ झाड़ियों से बच बच के आई गए ये भी हम पुल के नीचे हैं बहुत थका देने वाला रास्ता है जैसे मुझे अगर मैं और दोस्तों के साथ होता शायद जितनी भी ट्रक यहाँ से जाते हैं ना पुल के ऊपर से बहुत आवाज़ करते हैं जिस वजह से
मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती और मैं चुप हो जाता हूँ फिर, और जब मैं चुप हो जाता हूँ तो मैं बात भूल जाता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। और हम पुल से ऊपर आ ही गए हैं, बस थोड़ा सा रह गया और अभी पुल से ऊपर आ गए हैं थक थक के। अब सोच रहे हैं तिप्ति कॉलोनी की साइड से जाएंगे, इधर चलेंगे, धूप लगी बहुत। चलो नहीं है, बस नहाना है, घूमना है, व्लॉग बनाना है। अब तो यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये अभी हम हैं पुल के ऊपर और पुल से थोड़ा पीछे है, पीछे पुल तुम्हें दिख जाएगा, ये सारा पुल की वो है वहाँ पर। भाई सब नहा चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से तिप्ति कॉलोनी की साइड। मंदिर पता नहीं जाएंगे कि नहीं, बट जो मैगी पॉइंट है यहाँ स्टोन का वहाँ पर हम जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेंगे और फिर वहाँ से घर जाएंगे। अब मैं आपको सीधा वहीं का ब्लॉग दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय। टू लीव दिस प्लेस, अब मैं स्टोन से वापस घर जा रहा हूँ पुरवाला की तरफ, रेडी मैं हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आया था तो मैं जा रहा हूँ। बाकी वहाँ जाकर देखूँगा तो मैं रेस्ट करूँगा सबसे पहले जाकर, फिर ब्लॉग एडिट करूँगा सारा, तो आपको तब मिलूँगा, तब तक के लिए बाय। और मुझे नया मास्क भी लेना है।